यस सो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट किया था, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे एमसीक्यूज हमने उसमें से किए। उसमें से भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो। इफ यू हैव सम डाउट्स यू कैन डिस्कस टुगेदर, और देन वी कैन जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज प्लान्ड ऑलरेडी, दैट इज अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके सो लेट अस स्टार्ट। सो अभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर के अंदर के, तो वो तो आपने ऑलरेडी देखे हैं रेगुलर लेक्चर्स के अंदर। हमने ऑलरेडी देखा है कि मैकेनिकल चैप्टर्स इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दिस चैप्टर इज एक्चुअली ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं तो वही हमको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। जैसा कि सॉलिड्स के जो प्रॉपर्टीज है तो उसमें सबसे पहले आता है उसका इलास्टिसिटी, ठीक है, फिर दूसरा उसके बाद आता है डक्टिलिटी, फिर उसके बाद आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कितना वो विथस्टैंड कर सकता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो मेलेबिलिटी। सो इन जनरल ऑल दिस प्रॉपर्टीज और इवन फटीग, ये सब जो प्रॉपर्टीज है तो ये हमको इसके अंदर डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर। अभी जहाँ तक ब्रॉडली ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि इलास्टिसिटी दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सम रबर्स एंड इरेजर्स एंड रबर बैंड्स एंड सो ऑन लाइक दैट। जो इलास्टिक हम जैसे खींचते हैं तो खींचने से जो बॉडी एक्सटेंड हो जाता है, और फिर उसके बाद वो जैसे हम उसका फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो फोर्स अगर रिमूव करते हैं तो वो बॉडी फिर से अपना शेप साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होता है? कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉपर्टी? तो कोई इलास्टिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल दे सकते हो? अभी चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग जो है रबर का एग्जाम्पल डालेंगे, वेरी फ्यू विल पुट एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन, स्टील, कॉपर। कैन यू इमेजिन? यस कॉपर, वेरी गुड आंसर। सो बेसिकली ये जो बात है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है मोस्टली, कि जब उनको बोला जाता है कि इलास्टिसिटी के बारे में जब बात की जाती है तो उनके दिमाग में एक ही चीज होता है कि जब इलास्टिसिटी के बारे में अगर बात कर की जा रही है तो इसका मतलब उसका एग्जाम्पल रबर होना चाहिए, या तो ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग होना चाहिए। स्प्रिंग भले वो मेटल का ही बना हुआ है लेकिन स्प्रिंग स्प्रिंग इज एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक बॉडी। तो लेकिन ये हमको समझना है कि इट इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक बॉडीज। एवरी बॉडी वी कैन सी इन द यूनिवर्स, एवरी मेटल मटेरियल, एवरी मटेरियल हैज सम इलास्टिक प्रॉपर्टीज। एवरी मटेरियल हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज, एवरी मटेरियल इज इलास्टिक, नॉट परफेक्ट। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज अ अनदर कंसेप्ट, इट्स अ आइडियल कंसेप्ट एंड दैट डजंट एग्जिस्ट इन द नेचर एट ऑल। बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ऐसा कोई सब्सटेंस होता ही नहीं है। There is no substance which can be supposed to be perfectly elastic, and at the same time, there is no substance which can be supposed to be perfectly plastic also. Plastic ऐसा भी कोई substance होता नहीं है, मतलब perfectly plastic हाँ। So हर एक body का जो elasticity है, वो lie करता है, zero और infinity के बीच में lie करता है, ठीक है? कोई body ज्यादा elastic होता है, कोई body कम elastic होता है, तो कोई body ज्यादा plastic होता है, कम elastic होता है। And so on like that. So elasticity and proper plasticity, these are just the properties which measure the tendency of the body to get contracted or get deformed when the deforming force is applied on it, and again regain their shapes and sides when that deforming force is removed from it. So, मतलब ये जो फिर से shape size regain करने का जो tendency है, ये capacity है, ये टेंडेंसी एक्चुअली इलास्टिसिटी कहलाता है, और उसको मेजर करने के जो टूल्स है वो हम इस चैप्टर के अंदर डेवलप करते हैं। जैसे कि यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, पॉइजन्स रेशियो है, ये सब चीजें जो है, ये सब जो मॉडुलस हम देखते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या बताते हैं हमको? व्हाट डज दिस नंबर्स गिव्स एन आइडिया अबाउट? तो ये हम देख सकते हैं कि दे गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ मच द बॉडी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, हाउ मच द बॉडी कैन विथस्टैंड
against a deforming force applied to it. So that is the measure of elasticity basically. ये सारे जो constants है वो सब मिलके क्या करते हैं, body का elasticity represent करते हैं, elasticity show करते हैं. तो अभी इसमें हम सबसे पहले इस chapter के अंदर जो basic concepts है तो उनके बारे में भी थोड़ा discuss करेंगे फटाफट. जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला concept इस chapter के अंदर जो आता है वो है stress. Yes, stress. And all of you know that the stress is defined as the force per unit area, no doubt. But we know already that the stress is of three types. Correct है, ये stress जो है वो तीन types का होता है. अभी majorly अगर देखेंगे ना तो actually volume stress जो है ना, volume stress इसको हम बोलते हैं. Volume stress is just somewhat very very different because वॉल्यूम स्ट्रेस तब पैदा होता है जब बॉडी के ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो चारों तरफ से काम कर रहा है. ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस वी कैन से व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस इज सपोज इफ देयर इज अ स्फीयर और एनी स्फेरिकल बॉडी व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम ऑल द साइड्स लाइक दिस. अगर चारों तरफ से अगर फोर्स काम कर रहा है और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम ही अगर चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस उसके ऊपर काम कर रहा है. And that volume stress will actually be defined as the force per unit area, no doubt. उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे. But ये category ही अलग है, ठीक है? ये अलग type का stress है. Stress के अगर देखेंगे ठीक से तो major जो types है तो वो ये दो हो, ये दो है. एक तो longitudinal, जिसको हम बोल सकते हैं longitudinal stress, और दूसरा होता है lateral. Lateral stress, उसको हम बोल सकते हैं आराम से. Yes. अब देखो longitudinal stress और lateral stress, इन दोनों के बीच में क्या difference है and how these two stresses are different from this volume stress actually. तो इसमें देखो अभी volume stress के अंदर क्या है कि force is applied from all the sides, चारों तरफ से, चारों तरफ से नहीं आठों तरफ से बोलना पड़ेगा क्योंकि directions कितने हैं, infinite directions है, ठीक है? नहीं, क्योंकि एक तो हम डायरेक्शंस के बारे में अगर देखते हैं तो एक तरफ तो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तो कहते ही है, नो डाउट. लेकिन एट द सेम टाइम अप एंड डाउन ये भी तो डायरेक्शन होते हैं. तो चारों तरफ से या कहो आठों तरफ से जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं इट प्रोड्यूसेस द वॉल्यूम स्ट्रेस, नो डाउट. या अगर कोई बॉक्स भी अगर है, ये समझो एक बॉक्स है, सो वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस बॉक्स अलोंग एक्स एक्सिस y-axis as well as z-axis. तो अगर हम सपोज इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो उसको कंप्रेस करने के लिए ट्राई कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अप एंड डाउन, और फ्रंट एंड बैक डायरेक्शन में भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये छह डायरेक्शन इधर ही हो गए. तो इस तरह से अगर हम सारे डायरेक्शन में सारे एक्सिस के अलावा अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी का जो वॉल्यूम जो है वही कॉम्प्रेस हो जाएगा. सो द बॉडी विल जस्ट गेट डिफॉर्म्ड एंड इट्स वॉल्यूम विल जस्ट गेट चेंज्ड एंड such a body will be called as a deformed body, and in that case the stress developed in this body will be called as the volume stress, no doubt. But kya hoga agar humne in charo taraf se force apply nahi kiya ya sabhi directions mein se force apply nahi kiya, sirf do direction mein force apply kiya. Dekho theek se, to abhi suppose ye body hai, okay, ye suppose iska okay, ये क्यूब है एक सपोज इस तरह से. अभी इसके ऊपर अगर हमने इस तरफ से और इस तरफ से अगर फोर्स अप्लाई किया, देखो ठीक से इस तरफ और इस तरफ अगर एक फोर्स अप्लाई किया तो उससे क्या होगा कि बॉडी इस डायरेक्शन में तो कंप्रेस होगा, नो डाउट, लेकिन इस डायरेक्शन में बाहर आएगा, ठीक है? इट विल गेट बल्ज, ठीक है ना, वो बल्ज होगा. बल्ज मतलब जैसे कोई किसी इरेजर को करके देखो, ऐसा अगर हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे ना इरेजर को, तो जैसे ही वो इरेजर को फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरह से अगर साइड वाइज अगर दबा देंगे उसको तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इस तरह से ऐसा बन जाएगा. ये देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम उसके ऊपर फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक लेंथ वाइज कर रहे हैं, उसके एक एक डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट दूसरे डायरेक्शन में वो बाहर की तरफ एक्सपांड हो रहा है. एक तरफ कॉम्प्रेस हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ एक्सपांड हो रहा है. तो ये जो होता है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द
this appears in this form of longitudinal and lateral stress. तो अभी यहाँ पे longitudinal stress किसको बोलने का और lateral stress किसको बोलने का, देखो इसे, अगर suppose हमने ये F इतना force apply किया है, ठीक है, और तो ये फोर्स जिस एरिया पे काम कर रहा है, दिख रहा है ठीक से, ये देखो, ये एरिया अगर हमने मान लिया ए इतना एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया पे वो काम कर रहा है, तो जब ये फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है तो उस डायरेक्शन में वो एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस पैदा करता है, एंड दैट स्ट्रेस विल बी डिफाइंड एज दिस फोर्स अपॉन एरिया, नो डाउट, मतलब ये वाला जो एरिया है ये हम कंसिडर करेंगे इस केस में, करेक्ट है. बट नाउ If suppose we apply the same force at this tangential point, अगर यही force हमने इसी body के ऊपर अगर ऊपर apply किया, थोड़ा ऊपर, मतलब मान लो कि इस body के ऊपर यहाँ पे अगर force apply किया, ठीक है, और ये जो part है वो पकड़ के रखा, ठीक है, बिल्कुल एक दो jaws के बीच में उसको fix करके रखा है, जो वो move ना होने पाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे ही इसके ऊपर एक F इतना force हम apply करेंगे तो इस एरिया के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा. दैट मींस दिस फोर्स इज एक्टिंग टेंजेंशियली टू दिस एरिया हियर, करेक्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर वी कैन डिफाइन द लैटरल स्ट्रेन स्ट्रेस विल एक्चुअली बी डिफाइंड एज द दिस फोर्स अपॉन दिस एरिया, नॉट दिस मच एरिया हियर. अभी हम ये वाला एरिया कंसिडर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, उसके बदले क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे, ऊपर वाला जिसके पैरेलल में ये फोर्स काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा F अपॉन A. वंस अगेन द सेम फॉर्मूला तो सेम ही है, नो डाउट, लेकिन फर्क क्या पड़ गया यहाँ पे, जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए भी अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूला तो वही है ना, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, नो डाउट, दिस लैटरल स्ट्रेन इज ऑल्सो गिवन बाय द सेम फॉर्मूला, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, नो डाउट, लेकिन कभी हमको उसको longitudinal stress समझना है और कभी हमको उसको lateral stress समझना है, तो ये that makes a difference. We can understand here, the अगर force एक ही है तो इस force के लिए अगर दो अलग अलग areas पे अगर वो force काम कर रहा है तो जिस area को वो perpendicular है उस area के अंदर वो longitudinal stress पैदा करता है, okay? और जिस area के parallel direction में वो या tangential direction में वो force काम कर रहा है उस एरिया के अंदर वो लैटरल स्ट्रेस पैदा करता है. ये एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, हमको समझना है, ठीक है. एज एन अनदर एग्जांपल, सपोज देयर इज अ एरिया, मान लो कि एक एरिया है, सपोज एरिया वर्टिकल है, अब ये एक कंसेप्चुअल बात है, देखो ठीक से इसके ऊपर सोचो ठीक से जरा. अगर मान लो ये एरिया इस तरह से है और इसके ऊपर अगर हमने फोर्स इस तरफ अगर अप्लाई किया तो वो क्या कहलाएगा, इफ ए इज द एरिया देन दिस फोर्स एफ विल अप्लाई परपेंडिकुलर टू द एरिया, एंड वेरेवर द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वी कैन से दैट द स्ट्रेस डेवलप्ड इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, सो वी कैन से दैट दिस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप्ड हियर इज गोइंग टू बी एक्चुअली एफ अपॉन ए, नो डाउट. बट इफ सपोज वी हैव द सेम एरिया and suppose the force is applied on that area but not perpendicular to that area but parallel to the area like this, suppose yahan pe ek area hai aur is area ke upar is direction mein agar force apply ho raha hai, f itna force agar apply ho raha hai to ye f force kya paida karega, lateral stress paida karega, to area to ek hi hai lekin is area ke upar jo force kaam kar raha hai to wo force jab area ko perpendicular kaam karta hai तो उसको हम longitudinal stress बोलते हैं, और जब वही फोर्स एरिया के parallel direction में काम करता है तो उस केस में हम उसको lateral stress बोलते हैं. अगर मान लो एक situation है, इसी के साथ related एक situation तुमको देता हूँ, और suppose कि एक force जो है तो वो force ये समझो यहाँ पे x axis मान लिया जाए और ये suppose y axis है हमारा, ठीक है, और अगर एक force काम कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, देखो ठीक से, द फोर्स इज एक्टिंग सपोज इन दिस डायरेक्शन हियर, व्हाट विल वी डू नाउ, व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस एक्स एक्सिस हियर, तो इस थीटा इतने एंगल पे, मतलब अगर ये फोर्स जो है, इस फोर्स को अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर अगर ड्रॉ करेंगे तो इस एक्स एक्सिस के साथ उसका जो बना हुआ एंगल है वो थीटा है, ऐसा मान लेते हैं,
सो एफ इतना फोर्स एक्ट हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, वो भी थीटा इतना एंगल करके, ठीक है, ये चलो सरफेस के साथ थीटा इतना एंगल करके वो एक्ट हो रहा है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो सरफेस के साथ थीटा मतलब क्या हो गया, वो ये वाला एंगल हमको थीटा बोलना पड़ेगा जरूर। तो इस सरफेस को पैदल है ना ये वाला साइड, तो इसलिए इस सरफेस के साथ थीटा इतना एंगल करके अगर इस ये फोर्स काम कर रहा है, तो फिर अभी इसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेस बोलेंगे या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे। एरिया इज ए हियर, ए इतना एरिया है, तो इस ए इतने एरिया पे जो फोर्स काम कर रहा है वो परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। अभी क्या करेंगे, सो देयर आर टू वेज टू टैकल दिस सिचुएशन। सबसे पहला तरीका ये है रिजॉल्व द फोर्स, ओके। इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। एक बनेगा एफ कॉस थीटा, ये देखो ये वाला जो कंपोनेंट बनता है उसका, इसको हम बोलेंगे f into cos theta, करेक्ट है। एंड द सेकेंड कॉम्पोनेंट हियर विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया विच विल एक्चुअली बी इक्वल टू f into sin theta, करेक्ट है। सो ये दो कॉम्पोनेंट हमको मिल गए, चलो ठीक है। अभी इसमें से कौन सा कॉम्पोनेंट लैटरल स्ट्रेस पैदा कर रहा है और कौन सा कॉम्पोनेंट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस पैदा कर रहा है, कैन यू पुट इट इन द चैट बॉक्स। इट्स वेरी इजी, we have resolved this force F into two components. One is F cos theta and other one is F sin theta. So which force is producing the longitudinal stress in this area here? इस area के अंदर longitudinal stress कौन सा force पैदा कर रहा है? ये देखो ये F sin theta जो force है वो perpendicular है कि नहीं area को, इसलिए वो हम कहेंगे it is producing the longitudinal stress in that area. रिमेंबर, सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अगर हमको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे देखो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला बनेगा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए, करेक्ट है। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लैटरल स्ट्रेस इन द सेम सिचुएशन, तो लैटरल स्ट्रेस कौन पैदा कर रहा है, ये एफ कॉस थीटा पैदा कर रहा है, और उसकी वजह से हमको फॉर्मूला मिलेगा इसका एफ कॉस थीटा दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय ए। एरिया इज द सेम, the same area is experiencing the two forces, one is perpendicular to that area and other one is parallel to that area. The force which is parallel to the area produces lateral stress in it, and the force which is perpendicular to the area always produces the longitudinal stress in it. ye samajhne jaisi baat hai, ye humko achhi tarah se samajhni hai, theek hai. dusra ek tarika hai is situation ko tackle karne ka, dekho theek se, if we have the force to be acting like this and the area is tilted like this, so area jo hai wo is tarah se tilted hai, samjho ye hamara x axis hai, we'll draw it by pencil, this is our x axis, okay, and this is the y axis obviously, ओके। एंड एफ इतना फोर्स जो काम कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, तो ये फोर्स, अभी फोर्स को रिजॉल्व करने की सपोज हमको जरूरत नहीं है, बट वी वांट टू रिजॉल्व द एरिया वेक्टर। अभी एरिया जब ऐसा है तो एरिया वेक्टर जरूर इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम बोलेंगे ए बार, चलेगा ए बार, एंड इट इज सपोज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद दिस एक्स एक्सिस, ओके। सो नाउ वी कैन रिजॉल्व दिस एरिया इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, one of which will be along the vertical, along the horizontal, along the force, matlab is direction mein ek component banega aur dusra component is direction mein hum likh sakte hain. ye wala jo component hai horizontal wala, isko hum bol sakte hain a cos theta, aur ye wala jo dusra component hai isko hum bol sakte hain a sin theta. and now see, jabki humne area vector ko resolve kiya hai to ye dono jo components humko mil rahe hain wo bhi to area vectors hi honge zarur. तो अगर ये एरिया वेक्टर्स है तो उनका एरिया कहां पे है, तो जरूर यहां पे होगा, ये देखो दिस विल बी द एरिया करेस्पोंडिंग टू दिस ए कॉस थीटा कंपोनेंट, राइट, एंड दिस विल बी द एरिया व्हिच इज करेस्पोंडिंग टू द ए साइन थीटा कंपोनेंट, करेक्ट है, इसका परपेंडिकुलर मतलब, तो ये वाला एरिया ए साइन थीटा कंपोनेंट के साथ रिलेटेड है, यस। अभी एक ये क्लियर हम देख सकते हैं कि द सेम फोर्स इज एक्टिंग perpendicular to this a cos theta component, right, and hence we can say that the longitudinal stress here in this case
will be given by this F upon A cos theta, correct? And at the same time, lateral stress in this case can be found out by the formula. The same force F has to be divided by this parallel component. अभी parallel component कौन सा है? ये देखो, ये वाला parallel component है, दिख रहा है? तो इसका perpendicular area vector तो ये है ना? तो इसलिए A sin theta यहाँ पे हमको use करना पड़ेगा. So here it will be A sin theta in this way. So this is the basic difference you have to understand between longitudinal stress and lateral stress. Okay? डिफरेंस समझ में आया सबको? ठीक से या कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट. यस एनीबडी? ओके चलो ठीक है. तो ये दो दो जो पार्ट्स है वो हमने ऑलरेडी देखे. स्ट्रेस के जो दो टाइप्स होते हैं, तो एक तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा लैटरल स्ट्रेस. ओके अभी वॉल्यूम स्ट्रेस जो है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में हमने देखा कि व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल द साइड्स, देन इन दैट केस द फोर्स वॉल्यूम स्ट्रेस विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन दिस केस विल बी कॉल्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेस. ओके एंड दिस वॉल्यूम स्ट्रेस इज ऑल्सो डिनोटेड बाई दिस सेम फॉर्मूला, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. बट सिंस दिस फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स, the force per unit area is also called as the change in pressure and it is always denoted by dp. the volume stress jo hai wo hamesha dp se denote kiya jata hai, matlab change in pressure se denote kiya jata hai. kyun? kyunki charon taraf se jab force kaam karta hai to that force per unit area is actually called as the pressure and that's why we can say that abhi ye dekho is longitudinal stress ko hum pressure nahi bolenge kabhi bhi, samjha? kyun? longitudinal stress can never be called as pressure. भले formula वही है, pressure का भी formula क्या होता है? Pressure is defined as force upon area. और longitudinal stress का भी formula क्या है? Force upon area, no doubt. But the longitudinal stress is not same as pressure. Why? Because the in case of longitudinal stress, the force is acting in only one direction. That is the parallel to the length of the body. Okay? And in case of the lateral stress, again the force is acting only in one direction, that is the parallel to the surface of the body. Okay? Or so in this case, that's why we can say that the lateral stress and longitudinal stress in dono cases mein kya hota hai, force ek hi direction mein kaam karta hai, ya to length ko perpendicular ya to length ko parallel. to jab length ke direction length ko parallel kaam karta hai to usko hum bolte hain longitudinal stress. length ko parallel matlab area ko perpendicular. okay? or lateral stress jo hai वो काम करता है लेंथ के परपेंडिकुलर बट एरिया को पैरेलल. ठीक है? तो इसलिए इसको लैटरल स्ट्रेस बोला जाता है. तो लेकिन इन दोनों केसेस में जो है ना, फोर्स इज नॉट एक्टिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो वी विल नॉट वी कैन नॉट कॉल इट एज अ प्रेशर. बट इन द केस ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेस द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रेशर. so volume stress can be supposed to be the pressure, but actually kya hai na ki koi bhi body iske upar agar suppose hum force apply kare ya na bhi kare to bhi atmospheric pressure is already acting on the body, right? and whatever force or whatever pressure we apply or we exert on the body will become the additional pressure actually, right? and that's why that additional pressure is counted as the change in pressure. okay? so isliye isko dp se denote kiya jata hai. dp ka matlab kya hai yahan pe? The applied pressure minus atmospheric pressure. क्योंकि already atmospheric pressure तो already act हो रहा था उसके ऊपर, तो जो हमने apply किया वो actually additional pressure बन जाता है, जो कि P minus P naught, मतलब ही dp से denote किया जाना जरूरी है, इसलिए हम उसको dp से denote करते हैं. dp मतलब change in pressure. So remember, volume stress is nothing but the change in pressure, and simply stress it's of two types. longitudinal stress and lateral stress. the longitudinal stress is the stress which is perpendicular to area and parallel to the length. okay? that's why it's called as longitudinal. longitudinal matlab kya? lengthwise. okay? lengthwise. lengthwise ka matlab hi hota hai parallel to the length. and obviously if it is parallel to the length then it will be perpendicular to the cross sectional area of that body. and that's why it's called as longitudinal stress.
But on the other hand, the lateral stress is a stress which is acting parallel to the area, okay, tangential to the area and perpendicular to the length, obviously. मतलब length को वो perpendicular होगा और किसको parallel होगा? Area को parallel होगा, area of cross section मतलब, ठीक है? तो area of cross section को parallel होगा, तो उसको हम बोलेंगे lateral stress. Remember, so these two are called as the lateral stress and longitudinal stress. Okay. Yes, the second concept in this chapter is nothing but strain. तो देखो strain मतलब क्या है यहाँ पे? अभी ये जो हम stress apply करते हैं किसी भी body के ऊपर, जब हम force apply करते हैं, उसकी वजह से या तो उसका length change होता है, या तो उसका volume change होता है, या तो फिर shape change होता है. बराबर? तो इसलिए the strains, strain will be defined of three types. तीन type के strain define किए जाते हैं. जैसे stress तीन type के है, वैसे ही strains भी तीन type के है. So in short, what is strain is the change in dimensions upon original dimension. It is called as the strain. फिर वो चाहे length हो, या चाहे volume हो, या चाहे shape हो. तो in every case, what we have to do is we have to take the ratio of change to the original. क्योंकि उसका reason मैं बताता हूँ. क्यों यहाँ पे change to original ratio consider करते हैं और क्यों strain को इस तरह से define करते हैं? तो actually strain is some concept or some quantity which depends on stress, right? Stress अगर हम apply करेंगे body के ऊपर, उसकी वजह से strain पैदा होने वाला है body के अंदर. बराबर? अभी strain measure करने के लिए, अभी suppose तुमको अगर example दे दिया कि एक body, एक wire है, इसका length suppose 10 सेंटीमीटर है, okay? 10 सेंटीमीटर length है, और उसके अंदर अगर मान लो हमने उसको extend किया, जिसकी वजह से उसका जो length है, जो कि 10 सेंटीमीटर था पहले, अभी वो suppose थोड़ा extend होके, ठीक है, 10.5 बन गया. तो extension कितना हुआ? Delta L, can we find it out? Yes, it can be found out to be 0.5 centimeter. Okay. अभी सोचो, अगर दूसरा example मैं देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर the another wire is of length 100 centimeter here. Okay, दूसरा length थोड़ा बड़ा है. Okay, उसका original length कितना है? 100 centimeter है. Okay, और अगर इसके अंदर हमने बोल दिया, ये चलो फर्स्ट जो एग्जांपल था ना हमारा, तो उसके अंदर थोड़ा हम चेंज करते हैं और बोल देते हैं कि सपोज इसका जो लेंथ था वो पहले 10 सेंटीमीटर था और अभी सपोज उसका लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 11 सेंटीमीटर. तो क्या कहेंगे? उसके अंदर चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 11 - 10, जो कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है. बट अगर एक दूसरा जो बॉडी है, दूसरा एक वायर है, उसका ओरिजिनल लेंथ ही 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसको भी हमने खींचा और उसकी वजह से उसके अंदर एक्सटेंशन हुआ और उसका लेंथ चेंज होकर के सपोज इसका लेंथ जो है वो 100 से 105 बन गया. अभी सोचो ना, ठीक से 105 बन गया, तो उसका एक्सटेंशन कितना हुआ? हाउ विल फाइंड आउट द इलॉन्गेशन इन दिस बॉडी? तो उसको, इसके लिए हमको करना पड़ेगा 105 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर. ओके, तो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? 5 सेंटीमीटर, करेक्ट? यस. नाउ जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ दिस बॉडीज एंड टेल मी व्हिच वायर हैज अंडरगॉन मोर एक्सटेंशन. किस बॉडी के अंदर, किस वायर के अंदर ज्यादा एक्सटेंशन हुआ है, फर्स्ट या सेकेंड? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, दिस इज द फर्स्ट and this is the second. Extension किस में ज्यादा हुआ है? अब देखो, extension एक अलग चीज है और strain जो है ना, strain जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो अलग चीज है. देखो ठीक से, जहां तक extension का सवाल है, तो हम बोलेंगे extension is more in the second case than the first case, no doubt. ये 5 सेंटीमीटर जो है वो obviously बड़ा है ना, वो तो बड़ा दिखता ही है, इसलिए उसको हम कहेंगे इट इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, नो डाउट. बट यहाँ पे ये अगर कंसीडर करते हो, एक
बसल क्लास में लेक्चर से लेकर ओके। तो एक्सटेंशन अगर कंसीडर करते हो तो वो तो हमको पता है कि इसके अंदर सेकेंड वाले वायर के अंदर ज्यादा है, फर्स्ट वाले वायर के अंदर कम है, नो डाउट। बट इसीलिए हमको स्ट्रेन जैसे कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिर्फ एक्सटेंशन उसके अंदर कंसिडर नहीं करते। चलो एक्सटेंशन अगर कंसिडर किया तो वो तो सेकेंड वायर के अंदर ज्यादा है, लेकिन ये भी एक थोड़ा इसके ऊपर सोचो कि अगर 10 सेंटीमीटर वाले वायर के अंदर अगर 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, अगर उसी मटेरियल का अगर हमने 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर का अगर वायर लिया होता, तो हर 10 सेंटीमीटर के अंदर अगर ऐसा 1 सेंटीमीटर का अगर एक्सटेंशन होना था, तो उसका मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड था, है कि नहीं। 100 सेंटीमीटर वायर के अंदर 10 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड था, लेकिन हुआ कितना है यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 5 सेंटीमीटर, तो वो तो कम हो गया ना एक तरह से। क्योंकि देखो अगर प्रोपोर्शनलिटी यूज करो तो अगर 10 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन, मतलब ये 1/10 पार्ट हो गया, 1/10 हो गया ना ये, तो लेकिन यहाँ पे अगर देखते हो तो 100 सेंटीमीटर वायर के अंदर सिर्फ 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन, मतलब वो 1/20 पार्ट हो गया कि नहीं। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है कि when the 1/10 part is the extension and 1/20 part is the extension, so we can say surely that this 1/10 part is greater than this one here, okay? तो ये छोटा है, ये actually extension इसके अंदर बड़ा हुआ है, ज्यादा हुआ है, लेकिन original length ही उसका इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से उसके अंदर extension बड़ा होके भी strain छोटा बन जाता है। तो यही reason है strain को इस तरह से define करने का, ठीक है। और ये जो वायर है दूसरा, उसका लेंथ ही छोटा है ना, तो लेंथ छोटा होने की वजह से थोड़ा भी अगर उसके अंदर एक्सटेंशन होता है तो वो एक्चुअली ज्यादा स्ट्रेन पैदा करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका लेंथ ही छोटा है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए ये जो स्ट्रेन का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से दिया जाता है कि चेंज अपॉन ओरिजिनल। द सेम थिंग इज अबाउट द वॉल्यूम ऑल्सो, तो वॉल्यूम का भी वॉल्यूम स्ट्रेन भी हम कैसे डिफाइन करेंगे, it will be defined as the change in volume upon original volume, remember, and change in shape upon original shape. अभी shape तो measure कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको एक suppose एक कैसा box है और उसको अगर suppose हमने यहाँ पे force apply किया, F इतना force apply किया जिसकी वजह से वो थोड़ा twist होके ऐसे बन गया, ठीक है, उसका जो shape है वो थोड़ा बिगड़ के इस तरह से ऐसा बन गया। तो इस केस में ये जो x डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से ये एक हर एक लेयर शिफ्ट हो जाता है, सो दैट x कैन बी सपोज टू बी द क्वांटिटी व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन शेप, एंड ओरिजिनल शेप विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस कैपिटल L, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट फिक्स लेयर, दैट लेयर फ्रॉम द फिक्स लेयर। सो दिस रेशियो विल गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेयरिंग स्ट्रेस एक्चुअली, एंड दिस रेशियो कैन बी सपोज टू बी द एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ शेयर उसको बोल सकते हैं। अगर ये थीटा हमने बोल दिया तो एंगल का डेफिनेशन क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। सो दिस एक्स कैन बी सपोज टू बी द आर्क एंड दिस लेंथ एल कैन बी सपोज टू बी द रेडियस एंड हेंस वी कैन गेट दिस थीटा टू बी इक्वल टू एक्स अपॉन एल इन दिस वे, दैट इज द शेयरिंग स्ट्रेस वी कैन से। सो ये समझा ठीक से कि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन, ये तीन टाइप के स्ट्रेन हुआ करते हैं। कभी कभी ये जो स्ट्रेन है वो परसेंटेज में दिया जाता है, परसेंटेज में। अगर सपोज ऐसा दिया है कि द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस बाय 2%, सो व्हाट डज इट मीन, सो ओरिजिनल लेंथ उसका डेल्टा एल अपॉन द चेंज इन द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एंड उसका जो मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम करेंगे तो वो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, जिसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एल अपॉन एल इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2/100। इसका मतलब 2% से उसका लेंथ इंक्रीज हो गया, मतलब अगर उसका ओरिजिनल लेंथ अगर मान लिया जाए 100 है तो उसके अंदर एक्सटेंशन 2 के बराबर का आ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेन हमको डायरेक्ट मिल गया 2/100 लाइक दिस। अगर बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ द वायर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 5%, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 5%, how will you get the volume strain then, so delta v upon v can be supposed to be 5/100 directly, so jab bhi percentage mein diya jata hai to is tarah se humko usko conclude karna hai, is tarah se nikalna hai, aur baki shearing stress ki to koi zarurat problem hi nahi hai kyunki wo angle hai, but remember that if suppose this angle is given to be in degrees, agar ye angle diya hai 5 degree ka suppose shearing strain paida ho gaya aisa agar bol diya, to we have to convert it into radian, and there and only we can use it
एज अ शियरिंग स्ट्रेन. तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, 5 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे तो उसके लिए उसको उनको पता है ऑलरेडी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट. सो इफ यू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14 देन वी कैन गेट दिस 5. अच्छा इसमें यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हैं आराम से, 5 1 5 36 और यहाँ पे 3.16 डिवाइड बाय 36, तो मतलब ऑलमोस्ट 0.1 के आसपास आ जाएगा. सो दिस विल एक्चुअली बी द स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. नहीं तो बोलेंगे हमको फिर से कहा है कि एंगल जो है, एंगल ही माना ही शेयरिंग स्ट्रेन होता है और हमको एंगल दिया गया है 5 डिग्री, बट रिमेंबर दैट एंगल शुड बी इन रेडियन, देन एंड देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड इन एज अ शेयरिंग स्ट्रेन. अदरवाइज इफ इट इज इन डिग्री देन वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन and then only you can be used it as a shearing strain, remember, okay. चलो ठीक है. सो आज के लेक्चर में हमने ये देखा स्ट्रेस के 3 टाइप्स और स्ट्रेन के 3 टाइप्स और उनके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह से गिवन थिंग्स हमको दिए जा सकते हैं और उसके जो छोटी छोटी जो अलग अलग लूपहोल्स है तो वो हमने सब देखे. तो कल के लेक्चर में हम इसके आगे का जो पार्ट है दैट इज यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड उनके प्रॉपर्टीज और उनका डिपेंडेंस अलग अलग चीजों के ऊपर वो हम देखेंगे प्रॉपर, ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर एंड थैंक यू.